नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गौरवशाली भारत रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो ट्रेन चलाने की भी सौगात दी है। इस दौरान रैली में जन सैलाब भी देखने को मिला। भीड़ को देखते हुए सीएम गदगद उठे। रैली में भारी भीड़ और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिभागियों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए भारी पुलिस बल से तैनात किया गया। इसके अलावा सुचारू यातायात व्यवस्था, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, पार्किंग, हेलीपैड, बैरिकेडिंग, सभा सुरक्षा चेकिंग, बैठने आदि की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी। रैली के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रभारी उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रैली स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। सीएम मनोहर लाल ने पलवल जिले के गाँव गदपुरी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। परिवारवाद और भाई भतीजावाद हावी था, लेकिन बीजेपी ने आते इन समस्याओं का समाधान किया और पूरे प्रदेश का विकास किया। सीएम मनोहर लाल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को जेलों में यातनाएं सहन करनी पड़ी थी, लोगों को लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन करने पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिले के गांव गदपुरी में गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करते हुए बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए भी मंजूरी दी, जिस पर कुछ घंटों में ही काम शुरू भी हो गया। इससे लोगों को अब बेहतर यातायात सुविधा मिल पाएगी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार विकास की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से मेट्रो, नेशनल हाईवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा में आए हैं। फरीदाबाद और पलवल जिले में जितना विकास बीजेपी की सरकार के दौरान हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है कि मुंबई एक्सप्रेसवे भी इसी क्षेत्र से निकल रहा है। सीएम ने कहा कि पूरे हरियाणा में बिना किसी भेदभाव के विकास किया जा रहा है। बीजेपी सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच को सार्थक कर रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर देने का काम कर रही है। बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हरियाणा में नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को वहाँ फूलमालाओं और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके पश्चात सामूहिक रूप से बड़ी मुख्यमाला भी मुख्यमंत्री को पहनाई गई। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी के तहत अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गौरवशाली भारत रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था और कांग्रेस ने सत्ता को बचाने के लिए, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर डाला, कुछ सोच नहीं सकता था। मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और जो भी थोड़ा भी सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसको उठा के जेल में डालेंगे। हमारे बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता, उनको यातनाएं सहनी पड़ी। लोकतंत्र का विरोध करने वाली जितनी भी ये जो मानसिकता थी, उसमें हमारे जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग थे उनके ऊपर बहुत से जुल्म उठाए गए। आज का वो दिन है और मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता इसमें से झलकती है। कांग्रेस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, लेकिन अगर उनको ध्यान आ जाए कि हम कोई भी प्रपंच रच लें, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज सामने एक पर्वत जैसा, चट्टान जैसा एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी खड़ा है। छोटी मोटी बदलियां, छोटे मोटे ये कोई भी व्यवधान, ये उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगे, उनको गिरा नहीं पाएंगे। हरियाणा में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राज्यव्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत संत और गुरु नशीली दवाओं के खतरे में शामिल लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा ताकि वे नशे की लत में ना पड़े। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए
बहुआयामी रणनीति अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों, सामाजिक संस्थाओं, संतों, गुरुओं से आग्रह किया कि वे इस प्रदेश व्यापी नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत संकल्प के साथ मिलकर नशा मुक्त हरियाणा का निर्माण करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जिनका जन्मदिन था और उन्हें गुलदस्ते भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषकर सिरसा से लेकर अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला तक प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि संत, गुरु और विभिन्न और गैर सरकारी संगठनों, नशा मुक्ति केंद्र और विभिन्न खापों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाने में राज्य सरकार के अलावा सामाजिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत एक नई टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स में सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य, सरकारी प्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी हितधारकों द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी समस्या या लत पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और योग करने से भी नशे से दूर रहने में मदद मिलती है और बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी ताकतें भी नशे के जाल में फैलाने में लगी हुई हैं और चूंकि नशीली दवाओं की तस्करी में बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए कुछ लोग अधिक पैसा कमाने के लिए ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इन गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने इस मौके पर मौजूद लोगों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई। नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी नशा मुक्त अभियान शुरू करना हरियाणा को एक नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान संतों ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 152 नशा मुक्ति केंद्र हैं और इन केंद्रों में योग और व्यायाम शुरू करने का भी प्रयास किया जाएगा। आज का ये जो कार्यक्रम किया गया है इसके अंदर शुरुआत है। इस शुरुआत को हर व्यक्ति के जीवन में, जीवनचर्या के अंदर ये एक विचार, ये इसका प्रभुत्व ये आए, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस काम को शुरू करते समय जैसा बताया कि एक हम टास्क फोर्स ये बनाएंगे जिसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, कुछ सरकारी भी लोग उसमें रहेंगे, एकाध पुलिस का व्यक्ति भी उसमें हम रखेंगे डिपार्टमेंट्स के नाते, इसे जैसे विभाग मैंने बताया, स्वास्थ्य विभाग, सेवा विभाग, ये भी उसमें रहेंगे और एक समन्वय बैठा करके पूरे प्रदेश में इसका अभियान चलाया जाए। और जो उसमें सहायता चाहिए, जैसे विभिन्न ऐप्स का, साथी ऐप है और प्रयास ऐप है, हॉक नाम से कार्यक्रम भी चलाया है, हॉकर्स, हमारा एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो, इसने भी अपनी योजनाएं बनाई है, गांव गांव स्तर तक टीमें बना ली हैं। 5 मई को इसका भी हमने शुरुआत की थी, पुलिस के विभाग को कहा था, उन्होंने भी एक संकल्प लिया था। तो ऐसी टीमें बना करके जन जागरण वो भी करेंगे। संतों महात्माओं से मेरा निवेदन ये है कि अपने अपने स्थानों पर तो जो लोग आते हैं वो हमारे सब फॉलोअर्स होते हैं, हमारे जितने भी वहां आने वाले साधक होते हैं वो आते हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे तो जो इन समस्याओं से पहले भी दूर होते हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं उन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा। और उसके लिए एक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन प्रभावित हो चुका है। ये जो दोनों एप्स बताई हैं इसमें वही चीज कि सप्लाई कौन करता है, उस चेन को भी तोड़ना है, कौन इससे ग्रसित हो चुका है उसका भी डाटा इकट्ठा करना है। और वो डाटा भी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे कि इसमें से कौन सा वर्ग है जिसको आप अपने पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। पहला विषय तो ये कि जैसे बताया कि आज का जो थीम है इस दिन का, वो थीम मानव सबसे पहले नशा पीड़ितों को कलंक न माने। वो मानव है, वो भी उस विकृति को ठीक करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, योग भी है, साधना भी है, मेडिटेशन है, सब है। तो इस सब बातों के माध्यम से आप लोग जो करते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इस आने वाली पीढ़ी को हम लोग बचाएं, क्योंकि इससे बर्बादी न केवल व्यक्ति की होती है, कई बार परिवार की भी होती है, समाज की, आसपास की, सबकी होती है। तो बर्बादी न होने दें, खुशहाली में यह बाधा बनता है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।